फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है स्मिता, मैं अंशु की मम्मा, एंड हम सबकी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। ये साल हम सबका बहुत अच्छा जाए, हम सबके बच्चे बहुत अच्छे से मतलब रेगुलेट हो जाए, सेल्फ रेगुलेट, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। एंड बढ़ते हैं अभी आज के टॉपिक के ऊपर। लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था मेरा जो फूड एक्सपीरियंस था, जो जर्नी था अंशु के साथ, वो मैंने शेयर किया था। अभी मैं आपको रीज़न बताऊँगी कि क्यों ऐसा होता था, कि क्यों बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे, स्पेशल किड्स जो होते हैं वो इतना चूज़ी होते हैं फूड्स को लेके, इतना पिकी ईटर्स होते हैं। मतलब उनको सिर्फ यही टाइप के फूड खाना है और ये टाइप के फूड उनके लिस्ट में नहीं आते हैं, नहीं खाता है, नहीं खाती है बच्चे। तो इसके बारे में मैं रीज़न के बारे में आज इस वीडियो में पूरा डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके बच्चे में जो जो मैं रीज़न बोलूँगी इस चीज़ के लिए अगर प्रॉब्लम है, तो आप उसी उसके ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर काम कर सकते हो, तो वो सोल्यूशन आपको जल्दी से मिलेगा और आपको आसानी होगी बच्चे के बच्चे को खाना खिलाने में या उसके जो फूड हैबिट्स है वो रेगुलेट करने में। तो ध्यान से सुनिएगा सारे पॉइंट्स, रीजंस, क्योंकि किसी एक पॉइंट के प्रॉब्लम हो सकता है, आपको सिर्फ वो पॉइंट पिक करना है, या दो दो पॉइंट भी एक साथ हो सकते हैं, उस दोनों पॉइंट को मिला के दोनों पॉइंट के ऊपर आपको काम करना होगा। लेकिन वो आपको डिसाइड करना है कि आपके बच्चे में कौन सा प्रॉब्लम है इसीलिए वो नहीं खा रहा है। तो प्लीज़ बहुत अच्छे से पूरी वीडियो को देखना एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बी पार्ट ऑफ आवर जर्नी। एंड आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। कमेंट्स में आप मुझे बोल सकते हो आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, या मैं जो बोल रही हूँ उसके अलावा भी अगर आपको कुछ मतलब प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आती है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी। सी आई एम नॉट द एक्सपर्ट वन, बट मेरे जो एक्सपीरियंसेस है या मुझे जो पता चला है, मैं आई विल लव टू शेयर विथ यू ऑल, क्योंकि मुझे अवेयरनेस चाहिए मेरे बच्चे की भलाई के लिए, सब बच्चे, सब ऑटिस्टिक स्पेशल किड्स के बेटरमेंट के लिए मुझे अवेयरनेस करना है और मैं वही कर रही हूँ। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट टॉपिक है एंड बहुत जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस फूड हैबिट्स में, वो है पिकी ईटिंग क्यों है। इसके लिए है सेंसरी प्रॉब्लम। सेंसरी मतलब उसको, बच्चे को सेम टेस्ट का, सेम टेक्सचर, सेम टाइप का फूड ही चाहिए, सेम इवन स्मेल, दूसरे किसी स्मेल का फूड वो नहीं खाएगा। अंशु भी अब मतलब पहले ऐसे होता था कि वो उसको चिकन का जो स्मेल है ग्रेवी का, वही स्मेल उसको चाहिए, उसका जो टेक्सचर है स्पाइसी वाला वही टेक्सचर का चाहिए, उसका जो टेस्ट है स्पाइसी टेस्ट, वही जो टेक्सचर है ग्रेवी का, मतलब अनियन का या चिकन का, पोटैटो का, कैरेट का, वही सिर्फ उसको चाहिए, दूसरा चीज़ मुझे नहीं चाहिए। अगर आप उसको डाल दो, नहीं, वो कम्प्लीटली अलग दिखता है, अलग मतलब शेप, अलग मतलब उसको तो वो खाना मतलब मुंह में डालने से पहले, क्योंकि उसको स्मेल से वो पता चलता है, उसको देखने से पता चलता है कि कलर डिफरेंस है, तो इन सब चीज़ को वो मतलब समझ सकता है कि ये नहीं है, ये मेरा खाने का नहीं है, उसके लिस्ट में वो नहीं आता था तब। तो अगर आपके बच्चे मतलब ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, मतलब खाने में नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब उनको ये सब चीज़ें ही खाना है, एंड दिस ऑल थिंग्स, नो नो नो, आई एम नॉट गोइंग टू ईट ऑल दिस थिंग, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है बिकॉज ऑफ सेंसरी। तो आपको बच्चे के सेंसरी के ऊपर काम करना है, एंड इसके साथ आपको बच्चे को थोड़ा सा प्रैक्टिस में भी लाना है, माइंड डाइवर्ट करके। सेंसरी के ऊपर आप तो काम करोगे ही, उसके साथ आपको मतलब उसके माइंड के साथ भी आपको थोड़ा प्ले करना है। लाइक जैसे मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया था अंशु के साथ, मैंने क्या किया, माइंड डाइवर्ट करके उसको खिलाना प्रैक्टिस किया, तो प्रैक्टिस से भी थोड़ा काम बन जाता है। और सेम टेक्सचर, सेम चीज़, मैंने आपको जो पिछले वीडियो में बोला था कि मैंने वो सब चीज़ें ट्राई किया, सेम टाइप के ग्रेवी, मतलब जैसे मैं चिकन बनाती थी सेम टाइप के मैं वेजिटेबल के साथ ग्रेवी बनाती थी, एंड धीरे धीरे मैंने उसको चिकन से स्विच किया वेजेस के ऊपर। तो आपको भी वैसा ही करना है, मतलब वो शेप, वो टेक्सचर, वो मेंटेन करना है पहले शुरू शुरू में, फिर आपको वो स्विच हो जाएगा बच्चा। मतलब अगर वो बहुत स्पाइसी खाता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे रेगुलेट हो जाएगा नॉर्मल फूड हैबिट में, कोई टेंशन नहीं है। तो सेंसरी इज़ अ वन रीज़न एंड द फर्स्ट रीज़न वाई पीपल, वाई दिस किड्स आर पिकी ईटर्स। एंड माई सेकेंड रीज़न मीन्स वाई दिस किड्स आर नॉट ईटिंग एवरीथिंग, सेकेंड रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ देयर ओरल मोटर इशूज़। लाइक उनके जो ओरल मोटर होता है, मतलब उनका जो जॉ डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, उनका जो किसी किसी बच्चे का टंग में प्रॉब्लम आता है, तो वो लोग वो चीज़ नहीं सहन कर पाते। लाइक
एंड ऑल्सो सेंसरी में वो तो भी था कि हीट वगैरह भी सेम सेम, मतलब गर्म ही खाना है, ठंडा नहीं खाना है, या मतलब ये लिक्विड को हम चाहिए मुझे, मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं, ज़्यादा गर्म नहीं, ये इसी टेम्परेचर में चाहिए, वो भी सब बच्चे ध्यान रखते हैं सेंसरी में। तो आपको वो सब चीज़ों का ध्यान रख के आगे बढ़ना है, काम करना है उसके ऊपर। एंड जो सेकंड में पॉइंट बोल रही थी कि बच्चे का जो ओरल मोटर डेवलपमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, तो उसके लिए आपको जैसे जॉ डेवलपमेंट अगर नहीं होता ठीक से, प्रॉब्लम है उसमें, जॉ में गैप रहता है, तो इसमें इसके ऊपर ओरल मोटर स्पीच थेरेपिस्ट काम करते हैं इसके ऊपर। एंड ओरल मोटर उसके ऊपर टैपिंग वगैरह होता है, जॉ के लिए एक्सरसाइज होता है, च्यूइंग ट्यूब्स आते हैं, वो सब करने के बाद बच्चे का जो जॉ डेवलप होगा अच्छे से, उसके ऊपर काम होगा, फिर उसके दैट किड विल स्टार्ट चीविंग द फूड। नहीं तो इससे पहले बच्चा नहीं खाता है। कोई कोई बच्चे को अगर देखोगे आप, मतलब अंशु भी पहले पहले क्या करता था, अगर आप खाना मुंह में दोगे वो तुरंत निकल जाता था, मतलब वो बाइट बिल्कुल नहीं करता था, ऐसे बाइट मीन्स च्यू नहीं करता था प्रॉपरली, क्योंकि उसके जॉ डेवलपमेंट में प्रॉब्लम था। देन हमने उसको ओरल मोटर एक्सरसाइजेस करवाए, फिर उसके ऊपर वो काम करने के बाद वो ठीक हो गया, नाउ ही स्टार्ट चीविंग। एंड इसके लिए भी मतलब ये ओरल मोटर एक्सरसाइज के अलावा भी मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक टिप्स दूंगी कि मतलब जर्नी में हम जा रहे थे इधर उधर घूमने के लिए, इससे पहले अंशु कभी भी ना चिप्स वगैरह नहीं खाता था, चिप्स मतलब लेस का नहीं खाता था, तो मैंने ये ट्राई किया कि उसको मुझे च्यूइंग लाना था। ओरल मोटर तो एक्सरसाइज चलता है, बट दे मतलब ये बच्चे ना बहुत रेजिस्टेंस भी देते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, अगर मुझे ये बोल रहे हो करने के लिए तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं करूँगा। तो उसके लिए भी आपको माइंड डाइवर्ट करना है बच्चे का, जैसे मैंने किया, अगर वो जब जर्नी में जा रहा था उसका मूड बहुत हैप्पी है, तब आप बहुत कुछ चीज़ें उसके ऊपर ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने तब वो उसके ऊपर चिप्स से ट्राई किया कि ये तो आपको चबा के ही खाना होगा, क्योंकि आप उसको निगल नहीं सकते, आपको चीव करना है। तो उसके जो आवाज़ आती थी चीव करने के बाद ऐसे करके जो आवाज़ आती थी ना, उससे मैंने उसको थोड़ा प्ले टाइप का किया। एंड उसके बाद से वो करते करते, और जर्नी में भी थे हम, तो उसके बाद से उसका वो जो चिप्स वगैरह खाना स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद मतलब धीरे धीरे जाते जाते वो चीविंग का रेगुलेट हुआ धीरे धीरे। जब भी वो फूड मुंह में लेता था, मैं उसको बोलती थी ऐसे आवाज़ करके कि हाँ ऐसे हम च्यू करेंगे उस तरह के, उस टाइम के तरह, तो ऐसे करके वो मतलब करता था। हाँ वो तब मतलब एकदम शुरुआत में मैं जो बोल रही हूँ उसको वो उससे समझ नहीं पाता था, बट वो मेरा इमोशंस बहुत कैच करते हैं अंशु, एंड उसके साथ वो काम करता है कि मम्मी कैसे इमोशन में मुझे बोल रही है या क्या करवाने की कोशिश कर रही है, ये वो अभी समझता है, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन का वो आ गया है हम लोगों में। या उसको ना वर्ड से भी समझ में आता है कि जैसे मैं उसको बोलती हूँ खाना मुँह में डालने के बाद अंशु चीव इट, तो उसको समझ में आता है हाँ मम्मी चबाने के लिए बोल रही है। तो अगर वो नहीं करता है तो मैं फिर बोलने के बाद भी अगर नहीं करता है, नॉटीनेस दिखा रहा है, तो मैं तब क्या करती हूँ उसका दिखाने में आपको डालना है ना, ऐसे उसको मजाक मजाक में प्ले में करो, उसके माइंड डाइवर्ट करो। तो सेकंड प्रॉब्लम जो है ओरल मोटर का जो इश्यूज रहता है उसके ऊपर आप स्पीच थेरेपिस्ट काम करेंगे, या आप घर पे भी, मैंने भी बहुत वीडियोस शेयर किए हैं ओरल मोटर एक्सरसाइज के ऊपर, आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, फिर बच्चे का जॉ डेवलपमेंट होगा या टंग का कुछ प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा, फिर बच्चा चीव करना स्टार्ट करेगा। और ये जो मैंने आपको टिप्स बताई, मेरा जो एक्सपीरियंस था चीविंग स्टार्ट करने का अंशु के साथ, वो भी आप ट्राई कर सकते हो अपने हिसाब से, आपके बच्चे के हिसाब से। तो ये सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, एंड ये सब मेजर्स प्रॉब्लम हैं एक्चुअली, क्यों बच्चे नहीं खाते, पिकी ईटर्स होते हैं। अभी थर्ड प्रॉब्लम है जो का मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी कि हर बच्चे में हो, बट ये भी कभी कभी होता है कि जिंक जो होता है एक एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट कभी कभी बच्चे में कम रहता है ब्लड में, तो इसीलिए भी उसको फूड का जो टेस्ट है वो नहीं, मतलब प्रॉपर टेस्ट लाइक ये जो अगर वाटरमेलन आप खाओगे तो उसमें थोड़ा सा फ्रूटी टेस्ट, मतलब उसका जो टेस्ट है उसको आप समझ में आएगा, लेकिन अगर आपकी मतलब बच्चे में जिंक की कमी है तो उसको प्रॉपर उसका टेस्ट समझ में नहीं आएगा जो एक्चुअल में है। और इसलिए भी वो बच्चे इनकार करते खाने के लिए कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं खाना है, क्योंकि उनको वो टेस्ट ही नहीं लग रहा है तो वो क्यों खाएंगे। तो इसीलिए वो भी जिंक का कभी कभी प्रॉब्लम होता है जो ब्लड टेस्ट करने के बाद पता चलता है, जो अगेन आपको डॉक्टर्स रिकमेंड करेंगे आपके बच्चे के जो बिहेवियर्स है, फूड पैटर्न से, वो जानने के बाद अगर उनको लगा कि नहीं ये जिंक का बहुत बड़ा इशू है तो वो बोलेंगे आपको। एंड उसके लिए सप्लीमेंट्स आप होते हैं
जो बोलते हैं कोई कोई डॉक्टर के 20 to 25 milligrams ईच डे बच्चे को देना है हमको जिंक का सप्लीमेंट्स। अगेन अगर आप सप्लीमेंट्स नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं देती क्योंकि अंशु को मुझे नहीं लगता उसका जिंक का कोई इशू है, बट स्टिल नहीं हो इसलिए मैं उसके दूसरे चीज़ लाइक होम रेमेडीज़ जो मैं बोलती हूँ वो मैं उसके ऊपर दे डालती रहती हूँ। लाइक आप स्पिनच ट्राई कर सकते हो, आप एग्स ट्राई कर सकते हो, श्रिम्स जो बोलते हैं प्रॉन वो भी ट्राई कर सकते हो। ये सब चीज़ें ना बहुत मतलब हेल्प होती है। एंड पम्पकिन सीड्स दे आर एनरिच विद जिंक, तो ये सब चीज़ें आप बच्चे को दे सकते हो सप्लीमेंट्स के। अगर आपको नहीं देना है सप्लीमेंट्स के तरफ, अगर आपको नहीं जाना है तो ये सब चीज़ें आप ट्राई करके जिंक का लेवल बच्चे के मतलब बॉडी में ब्लड में नॉर्मल रख सकते हो, तो भी बच्चे का वो जो फूड बिहेवियर है वो नहीं आएगा। तो दिस वॉज माई थर्ड पॉइंट। एंड अभी फोर्थ पॉइंट ये है कि बच्चे कभी कभी मतलब ये बच्चे क्या है ना कि ऐसे नहीं कि हम जितना जैसे खाते हैं कि ब्रेकफास्ट हो गया फिर वी टुक अ ब्रेक फॉर 2 hours देन वील गो फॉर लंच और स्मॉल मिनी लंच, फिर लंच करेंगे, फिर स्नैक्स खाएंगे, फिर डिनर करेंगे। ये जो हम न्यूमरोटिपिकल या बड़े लोगों का जो रूटीन है ये बच्चों में नहीं रहता है। तो बच्चे क्या करते हैं, जब भी कभी बिस्किट खा लिया खिला दिया हमने, या कभी ये दूध पिला दिया, कभी फ्रूट खिला दिया, कभी कौन से मूड में है पता नहीं, भाई तू अभी शांत है तो अभी खा ले। तो प्रॉपर जब नहीं ये अभी जब लंच के वो सिर्फ 15 मिनट पहले ही कुछ खाया तो बच्चा लंच में क्यों खाएगा ठीक से, तो ही इज़ नॉट फीलिंग हंगरी इसलिए वो नहीं खा रहा है, उसके पेट फुल है, स्टमक फुल है, तो उसको टाइमिंग ब्रेक चाहिए खाने के गैप में, उसको हंगर समझ में आना चाहिए, ही शुड फील हंगरी सो दैट ही विल ग्रैब द फूड तो ही वो खाएगा। मतलब इंसान को भूख लगना चाहिए तो ही वो खाएगा ना, तो इसीलिए बच्चे का भूख पैदा करो आप, उसके वॉकआउट कराओ, उसके खाने में मतलब दो दो ब्रेकफास्ट या लंच के बीच में गैप बनाओ टाइम का, तो भी मतलब ये बहुत बड़ा काम करता है, उसको हंगर फील कराओ। ये नहीं कि मतलब उसको भूखा रखो तो वो चिड़चिड़ करेगा ऐसा नहीं, लेकिन खाने में गैप दो तो बच्चा उस गैप में क्या होता है ना कि डाइजेस्ट का उसको डाइजेशन में टाइम मिलेगा, उसमें वर्कआउट करेगा वो तो डाइजेस्ट होगा खाना, तो ही उसको हंगरी फील होगा, वो तो ही हंगर फील होगा और वो तभी खाना खाएगा। तो गैप बनाइए आपके रूटीन में, फूड बच्चे का जो फूड रूटीन है उसमें गैप दीजिए उसको खाने में, तो उसको डाइजेस्ट होगा अच्छे से तो ही वो खाने की मतलब तरफ बढ़ पाएगा। जैसे मैं बोलती हूँ कि सुबह के टाइम में वो ब्रेकफास्ट करके जाता है, फिर बीच में मैं थोड़ा सा उसको मतलब फ्रूट्स वगैरह इंट्रोड्यूस कराती हूँ, फिर मतलब वो अभी हुआ है पहले नहीं था, तो फ्रूट्स वगैरह इंट्रोड्यूस कराती हूँ उसको, फिर वो थोड़ा सा मतलब खेल लेता है, खेलने के बाद उसको अभी नीचे से आएगा फिर मतलब प्ले एरिया से खेल खेल के फिर उसको भूख लगेगी, फिर मतलब इतना वो भागा दौड़ी करेगा तो उसको भूख लगेगी, फिर वो आके तुरंत लंच में मैं मतलब जितना भी दूंगी उसको वो खा लेगा क्योंकि वो हंगरी है, उसको मतलब आके मुझे नहीं बोलना पड़ता, वही प्लेट निकाल के मुझको मम्मा मम्मा बोलता रहता है कि खाना चाहिए, अभी थाली निकाल के लाता है कि खाना दे दो। तो भी अगर मैं उसको उसकी मनपसंद चीज़ें ना दे के दूसरे भी कुछ चीज़ ट्राई करूँ तो वो खा लेगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, टच वुड अभी तक नहीं आया। तो यही है कि उसको हंगर फील कराना है। अच्छा, और मेरा जो अभी फोर्थ पॉइंट था वो तो मतलब मैंने बोला आपको गैप देना है, आपको खाने में किसी भी खाने में आप गैप टाइम का गैप दो तो बच्चे खा लेंगे। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप फिफ्थ पॉइंट है जो मेरा, वो है बच्चे का डाइजेशन इश्यूज। लाइक किसी बच्चे में ना मतलब भूख नहीं लगती इंटेंशनली या टाइम गैप दो फिर भी भूख नहीं लगती, ये भी प्रॉब्लम आता है क्योंकि वो गैस होता है कि मतलब बच्चा प्रॉपरली वो खाना च्यू नहीं करता है, तो या मतलब प्रोबायोटिक्स का इशू रहता है तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता ठीक से, तो गैस की मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इन बच्चों में। तो क्या होता है ना, बच्चे में गैस अगर पेट में भरती हो तो आप मतलब हंगरी फील नहीं करोगे, ये हम लोगों में भी ऐसा ही है, तो आपको उसको हंगरी फील कराने के लिए उसका गैस इशूज़ वो सॉल्व करना है, उसके ऊपर काम करना है। अगेन प्रोबायोटिक्स के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो मतलब मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ कुछ महीने पहले, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हो। तो प्रोबायोटिक्स का जो इशू है वो भी सॉल्व करो आप, तो भी आपके बच्चे में जो मतलब वो गैस इशूज़ वो कम होंगे, तो वो भी बच्चा खाने के लिए मतलब हंगरी फील करेगा।
हम लोग ना शुरू शुरू में उसको अंशु को झंडू भी पिलाते थे। झंडू का जो एक टॉनिक आता है झंडू नित्यम करके, कि वो मतलब बच्चे के डाइजेशन में हेल्प होता है बच्चे के, क्योंकि अंशु को गैस में बहुत प्रॉब्लम आती थी क्योंकि वो नहीं खाता था ठीक से, हंगरी नहीं फील करता था या मतलब खाने में इरेगुलरिटीज आती थी, तो भी वो झंडू से भी बहुत अच्छा काम हुआ। तो झंडू एक टॉनिक है, झंडू नित्यम जो अमिताभ बच्चन जो उसमें ऐड देते हैं वो वाला ही है सिंपल सा, वही सिर्फ हम एक ढक्कन करके उसको पिलाते थे आफ्टर लंच, तो वो आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर, तो वो खाने में डाइजेशन में अच्छे से हेल्प करता था। हाँ ये लॉन्ग रन के लिए नहीं है, हमने उसको सिर्फ 1 महीना ही पिलाया था उसके ऊपर और फिर स्टॉप कर दिया, लेकिन वो अच्छे से काम किया उसके ऊपर। तो आप उसके ऊपर काम करो, बच्चे के जो मतलब गैस वाले जो इश्यूज़ है वो कम करो। खाना भी आपको वैसे ही खिलाना है कि मतलब जिसमें मतलब ज़्यादा मतलब पहले शुरू शुरू में अगर ऑप्शन नहीं है बच्चे को खिलाना है तभी मतलब स्पाइसेस वगैरह ऐड करो, अदरवाइज़ खाने का मतलब तरीका ठीक रखो, मतलब बनाने का लाइक नॉर्मल स्पाइसी बनाइए या मीडियम, अगर बच्चा ठीक से कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आप नहीं भी बना सकते उतना स्पाइसी तो भी चलेगा, कोई इश्यूज़ नहीं है। तो अभी मेरा जो मतलब 6 पॉइंट है वो है बच्चे का गट इश्यूज़ जो होते हैं वो भी गैस ही रिलेटेड है। अगर आपके बच्चे के गट इश्यूज़ लाइक उसके अगर रेगुलरली पॉटी ठीक से नहीं हो रहा है, ही इज़ कॉन्स्टिपेटेड, और ये अगर होता है कि उनके डायरिया है बच्चे का, ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं ऑटिस्टिक या स्पेशल किड्स में, तो भी बच्चे ठीक से नहीं खाते हैं क्योंकि ना उसमें मतलब प्रॉब्लम ये होता है कि दे आर कॉन्स्टिपेटेड, उनका मतलब गट सिस्टम क्लियर नहीं है, तो वो कैसे खाएगा बच्चा, पॉटी नहीं हुआ। हम लोग मतलब बड़े में भी ऐसा होता है ना कि हम लोग फुल फुल या खाने की तो कोई इच्छा ही नहीं होती है, तो ये सब चीज़ें रीज़न रहती है इसलिए बच्चा नहीं खाता है। तो गट इश्यूज़ के ऊपर भी आपको काम करना है, प्रोबायोटिक्स के ऊपर तो काम करना ही है आपको, फिर उसके गट सिस्टम क्लियर हो। अगर बच्चा मतलब ये भी झंडू से हमको ये हुआ कि कॉन्स्टिपेशन जो है अगर खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो गया झंडू से तो वो मतलब गट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वो इजीली पॉटी कर लेगा, कर लेता है वंशु, तो फिर उस दिन नेक्स्ट डे उसके बिहेवियर भी अच्छा रहता है और वो हाइपर एक्टिविटी भी कम रहता है एंड देन वो खाना भी ठीक से खा लेता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं डेली लाइफ में बट इसके ऊपर आप सबको काम करना है। हाँ एक ही पॉइंट के ऊपर मत काम करो, आपको जो इस सब पॉइंट्स में आपको जो लगे कि आपके बच्चे में ये सब चीज़ें है तो उसके ऊपर आप काम करो, अपने दिमाग लगाओ, अपना फंडा लगाइए, अपने बच्चे के साथ वो कैसे मतलब होगा वो आप ही डिसाइड कर सकते हो, तो वो करके आप लगाइए काम, तो ज़रूर आपका बच्चे का जो फूड हैबिट है, फूड इश्यूज़ है, वो पिकी ईटर्स नहीं रहेगा, वो सब खाएगा। ट्रस्ट मी, मैं ना पहले ये सोचती थी कि सभी जो न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं वो टिफिन में मैगी ले जाते थे, और अंशु को मैं मैगी नहीं खिला सकती थी, उसको मैं पहले शुरू शुरू में केक की दे दी थी, तो मैं ये लगता था मेरा बेटा क्यों नहीं मैगी खा रहा है, मैगी का तो सभी बच्चे पागलों की तरह फ़ैन होते हैं, या पिज्ज़ा या मतलब ये सब चीज़ें बच्चे तो मतलब ऐसे टेंट्रम दिखाते हैं कि मुझे खाना है, और अंशु नहीं खाता था तब, लेकिन अभी वो मैगी भी खाता है। ये सब हमको धीरे धीरे रेगुलराइज करना पड़ा, एंड जो बाहर भी जाके वो पहले जब सेरेलैक पीता था तब भी हम होटल्स में जाके कुछ नहीं उसको खाना खिला पाते थे, हम जो खाते थे वो बिल्कुल नहीं खाना खाता था, हम उसको ऐसे मिक्सी में पीस पीस के देते थे, और ये भी था कि हम जहाँ जाते थे हमको मिक्सी कैरी करना पड़ता था क्योंकि उसके फूड जो है दाल चावल दुकान में बोले कि एकदम सादा तरह के दाल चावल बनाइए और उसको मिक्सी में पीस के हम उसको फिर खिलाते थे, तो यही प्रॉब्लम्स तब तब थी, फिर वो धीरे धीरे चल के आगे जाके वो सब ठीक हुई है। तो इस सब चीज़ों के ऊपर आप प्लीज़ काम कीजिए, तो ज़रूर आपके बच्चे का जो पिकी ईटिंग का जो प्रॉब्लम है, ईटिंग हैबिट्स का जो प्रॉब्लम है, वो सब ठीक हो जाएगा। तो यही मेरे आज का टॉपिक था, डिस्कशन था, पॉइंट ऑफ डिस्कशन। इसके अलावा भी अगर आपके बच्चों में कोई और प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में लिख के मुझे भेजिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी अपने एक्सपीरियंस से वो शेयर करने के लिए उसका सोल्यूशन। तो यही था मेरा आज का टॉपिक, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक माय चैनल एंड दिस वीडियो, एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू फॉर टुडे, बाय, टेक केयर।